इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको आर्क शेप में आईब्रोज बनाना बताऊंगी आप देख रहे हैं इनकी बालों की फुल ग्रोथ है यानी कि इनके आईब्रोज की फुल ग्रोथ है और मैंने यहाँ पे आर्क शेप लेना है इनकी आईब्रोज में और इनकी डिमांड है कि आईब्रोज को थिक रखना है यानी कि आईब्रोज को मोटी मोटी बनानी है लेकिन शेप आँख होनी चाहिए तो नेचुरल में ही इनकी शेप थोड़ी सी आँख आ रही है उसे हम और अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे तो आप देखिए धागा कैसे तिरछा रखा हुआ है मैंने पहले ऊपर से निकाल लिए जो एक्स्ट्रा बाल थे और अब नीचे से मैं शेप दे रही हूँ तो देख रहे हैं आप धागा को तिरछा रखा यानी नोज़ की तरफ धागा को हमने झुकाया हुआ है और जहाँ पे आग शेप लेनी है वहाँ पे धागा ऊपर है और धीरे धीरे करके मैं सारे बाल निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए मैंने चेहरे को थोड़ा इस तरफ कर लिया है और अब देखिए कि मेरा धागा किस तरह से चल रहा है इस तरह से आराम आराम से धागा चलाते हुए आप आईब्रोज के एक्स्ट्रा बालों को निकालते चले जाएं मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है जिससे कि आप देखें कि धागा कैसे चल रहा है और कैसे बाल निकल रहे हैं वीडियो को स्लो करने से आपको समझ में आ जाएगा कि थ्रेड कैसे चलाते हैं मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि थ्रेड को कैसे चलाएं कैसे प्रैक्टिस करें आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो इस तरह से मैं इनके आईब्रोज को शेप दे रही हूँ देखिए आप शेप में जहाँ पे वी शेप बनता है यानी कि शेप का मतलब है उल्टा वी शेप तो वी शेप जहाँ पर बनता है वहाँ पर थ्रेड को ले जाते हुए जो बालों को हल्का सा निकालना है ज्यादा जिससे कि शेप पूरी पूरी से नजर आए आइब्रोस बनाना इतना आसान नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है देखिए इनकी वी शेप आपको नजर आ रही होगी ऊपर से वी शेप नजर आ रही होगी नीचे से थोड़ा सा एरो का निशान दिया है मैंने और नीचे से थोड़ा सा मैं उसको गोलाई में ले गई हूं जिससे कि पूरी वी शेप लग रही है आइब्रोस की यानी कि ये ये जो है आर्क शेप में बनी है थोड़ा सा और पॉइंटेड करने के लिए मैंने फिर से धागा को नाक की तरफ झुकाया है और इस तरह से मैं शेप ले गई हूँ तो आप देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है और अब ये दूसरी वाली आईब्रो तो पहली वाली आईब्रो हम आगे से खड़े होकर बनाएंगे और दूसरी वाली आईब्रो इसको पीछे से खड़े होकर बनाएंगे वैसे अपना अपना सबका तरीका होता है बस काम अच्छा होना चाहिए टेक्निक कोई भी यूज़ करें आप काम अच्छा होना चाहिए आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए आगे से मैंने ऊपर के बालों की शेप ली है और एक्स्ट्रा बाल निकाले हैं और उसके बाद मैं ये आईब्रोज पीछे जाकर बनाऊंगी तो आप देख रहे हैं कि ये जो आईब्रोज है यहाँ पे भी मैं धागा को नाक के नीचे रखी हूँ मैं और उसके बाद धागा ऊपर है यानी कि धागा को बहुत तिरछा रखा हुआ है मैंने एक शेप लेने के लिए आगे के बालों को इस तरह से धागा को घुमाएं आप दबाते हुए पीछे करें और आगे करते हुए सारे बाल उसके अंदर भर लें तो इस धागे की कैंची में जब तक बाल भरे नहीं जाएंगे तब तक बाल निकलेंगे नहीं तो धागे की कैंची में आगे पीछे करते हुए बालों को भर लें उसके बाद बालों को आप निकाल दें ध्यान रखें कि कस्टमर ऊपर और नीचे दोनों स्किन को अच्छी तरह से पकड़ रखा है टाइट से पकड़ रखा है टाइट से जब पकड़ रखे होंगे तो कट नहीं लगेगा और अगर स्किन टाइट नहीं होगी तो कट लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो किस तरह से आईब्रोज को पकड़वाना है इसका भी आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए आप कस्टमर से बोलें आप अपने कस्टमर अपने क्लाइंट से बोलें कि आईब्रोज को अच्छी तरह से पकड़े इस तरह से आप पीछे के लेंथ को कम नहीं करेंगे और तिरछी धागा चलाते हुए अंत में गोलाई में पूरी आईब्रोज को बना लेंगे आप और जो भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा बाल है सब को आराम आराम से आप क्लीन कर दें चूँकि वीडियो स्लो है इसलिए आपको समझ आ रही होगी अच्छे से और अब ऊपर से पकड़वा के दोनों की दोनों आईब्रोज की कोई देख लें कि इक्वल है कि नहीं नीचे और ऊपर दोनों से चेक कर लें कि इक्वल है कि नहीं उसके बाद आप सेंटर के बाल को निकाल दें सेंटर के बालों को क्लीन करने के बाद आप आईब्रोज को अच्छी तरह से सीजर से कट कर दें जो भी एक्स्ट्रा है उनको कट कर दें कट करने के बाद आप देख लें एक बार चेक कर लें कि और बाल रह गए हैं कि नहीं तो थोड़ी सी शेप में एक दो बाल इधर उधर हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे उन बालों को ठीक कर रही हूँ जिससे कि आख से प्रॉपर नजर आएगी तो यहाँ पे एक दो बाल रह रहे थे जो कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ तो आपको अगर इस ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसके साथ ही आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं कि ट्वेल्थ पास है इन्होंने पहली बार अपनी आईब्रोज बनाई है ट्वेल्थ के बाद आजकल तो बच्चे एट नाइन से ही बनाने लगते हैं पर इन्होंने ट्वेल्थ के बाद अपनी आईब्रो बनाई है और काफ़ी पेशेंसली बनाया है इन्होंने थोड़ा भी चिल्लाई नहीं हालांकि बाल निकलते हैं तो दर्द होता है बट इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और अब देखिए इनकी आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही अब आईब्रोज बनाने के बाद हल्की सी आप क्रीम की मसाज कर दें या फिर एस्ट्रजेंट लगा दें आईब्रो के साथ साथ इन्होंने फोरहेड भी बनाया था तो मैं आईब्रोज और फोरहेड दोनों में इनके क्रीम की मसाज दे रही हूँ और मसाज देने से स्किन रिलैक्स हो जाएगी और जितना पेन होता है वो कम हो जाएगा आप बर्फ इसकी जगह पे क्रीम की जगह पे बर्फ भी लगा सकते हैं तो देखिए पहले इनकी आईब्रोज कैसे थी और ये कैसे लग रही थी और आईब्रोज बनाने के बाद देखिए कि इनकी शेप कितनी अच्छी आई है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल